दोस्तों, अगर आप भी जियो का सिम यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि अपने जियो के सिम में कॉलर टून को सेट करने का, दोस्तों कॉलर टून क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे नंबर पे इस मोबाइल से हम फ़ोन करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे रिंग नहीं सुनाई देगा, गाना सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखिए जब हम अपने नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे रिंग नहीं सुनाई दे रहा है, यहाँ पे गाना सुनाई दे रहा है जो गाना हम सेट किए हैं। ठीक है, और इस गाना को दोस्तों हम बिल्कुल फ्री में सेट किए हैं। ठीक है, क्योंकि हम जियो सिम इस्तेमाल करते हैं, अगर आप भी जियो सिम इस्तेमाल करते हैं और अभी जो है अपने जियो सिम में कॉलर टून को मतलब सेट करना चाहते हैं, यानी कि जो गाना चाहे आप वो सेट कर सकते हैं, तो गाना को सेट करना चाहते हैं जब कोई आपके पास कॉल करे तो उसको गाना सुनाई दे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से कैसे दोस्तों आप जियो में कॉलर टून को सेट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, बिना किसी ऐप के आपको जो है कोई भी एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको जो है कोई भी डाउट रहता है, आपको जो है कोई भी परेशानी होता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लेकर चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि आप अपने जियो के सिम में कॉलर टून को कैसे सेट कीजिएगा बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। अब दोस्तों आपको जो है अपने मैसेज वाले ऑप्शन में, जहाँ पे आपके जो है मैसेज आता है, आप किसी को मैसेज करते हैं, उसका जो है मैसेज वाले ऑप्शन को जो है एप्लीकेशन को ओपन करना है, जैसे कि यहाँ पे हम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो है बहुत सारा मैसेज पहले से आया है, हम किए हैं, वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है एक नंबर पे मैसेज करना है। ठीक है, वो नंबर कौन सा है, आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है नीचे में एक जो है मैसेज का आइकॉन बना है, आप में प्लस का भी आइकॉन बनता है, या जो है दोस्तों मैसेज का आइकॉन बना होगा, या जो है दोस्तों यहाँ पे कोई सा भी जो है एक मैसेज का सिंबल बना रहता है। ठीक है, यानी कि न्यू मैसेज आप किसी को कीजिएगा तो यहाँ से कर सकते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक नंबर दाबना है। ठीक है, नंबर कौन सा है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये नंबर दोस्तों आपको जो है डालना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंड टू, मतलब यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन एक, सेंड टू 5, 6, 7, 8, 9, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैसेज का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों हम जो चाहें वो मैसेज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैसेज क्या करना है, जो भी गाना आप सेट करना चाहते हैं वो गाना यहाँ पे लिख कर सेंड कर देना है। जैसे कि बहुत सारा गाना है, तेरी चुनरिया दिल ले गई, ऐसे बहुत सारा गाना है, जो भी गाना आपको सेट करना है वो गाना यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एक गाना लिख दिए, अभी जो है मतलब नया एनिमल का गाना जो है ट्रेंड कर रहा है, एनिमल फिल्म का गाना सारी दुनिया जला देंगे, इस गाना को हम अपने जो है कॉलर टून में सेट करना चाहते हैं, ताकि जो है मेरे पास कोई कॉल करे तो उसको ये गाना सुनाई दे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा गाना है, देशभक्ति गाना है, तो इस गाना को हम सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिख दिया सारी दुनिया जला देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम जो है सेंड पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम सेंड पे क्लिक कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे जो है गाना सेंड हो गया है, मतलब सॉरी मैसेज सेंड हो गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आया है रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है सारी दुनिया जला देंगे, यहाँ पे फिर एक नंबर लिखा है सारी दुनिया जला देंगे, यानी कि अब अगर आप इस गाना को सेट करना चाहते हैं तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि दिखाई दे आपको। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको लिखना है एक, ठीक है, वन, मतलब वन लिखना है, उसके बाद इसको जो है एक को सेंड कर देना है। अब यहाँ पर फिर से सेंड का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ी देर आपको जो है वेट कीजिएगा, तो यहाँ पर लिख रहा है वी हैव सेलेक्टेड सारी दुनिया जला देंगे, जो भी गाना है वो गाना। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपको दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर आप इस गाना को सारी कॉल्स पे, यानी कि ऑल कॉल्स पे, आपके पास कोई भी कॉल करे तो उस पे ये गाना सुनाई देना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है हमारे पास कोई भी कॉल करे तो ये गाना सुनाई दे उसको, तो यहाँ पे फिर से आपको जो है एक दाबना है और फिर से सेंड कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक लिखा है, यहाँ पे देखिए ये वन ऑल कॉल्स लास्ट में लिखा है मैसेज जो आया है, तो यहाँ पे बोल रहा है एक दबाने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लिख रहा है वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट, मतलब हमारा जो है रिक्वेस्ट चला गया है। अब आपको यहाँ पे बैक आना है। ठीक है, बैक आना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यू मैसेज एक आया है, यहाँ पे देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिख रहा है डियर कस्टमर यू हैव रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आना है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है रिप्लाई वाई टू दिस मैसेज, यानी कि अब इसमें जो है आपको वाई मैसेज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम वाई मैसेज कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है थोड़ा देर इंतजार करना है, अब यहाँ पे फिर से आपको जो है एक थोड़ा सा मैसेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम ओपन कर लिए, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया, डियर कस्टमर एज पर योर रिक्वेस्ट योर जियो टून, ठीक है, सॉन्ग हैज बीन चेंज, यानी कि हमारे नंबर पे गाना मतलब एक्टिवेट हो गया है, गाना चेंज हो गया है, जो गाना हम लगाए हैं, जो मैसेज किए हैं, वो गाना यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे नंबर भी मेरा शो कर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है चार्ज
RS00, यानी कि एक रुपया भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। अब बाई चांस अगर आप दोस्तों इस गाने को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, बाई चांस जो है आप अपने कॉलर ट्यून को नहीं रखना चाहते हैं, चाहते हैं कि इसको बंद कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 15 52 23 और मैसेज स्टॉप। इस नंबर पे सिर्फ आपको स्टॉप मैसेज करना है, आपका जो है गाना जो भी कॉलर ट्यून सेट किया है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेट करने का दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से दोस्तों आप जो गाना चाहे वो गाना सेट कर सकते हैं, बस यहाँ पे जो है जो भी गाना आपको चाहिए वो गाना वहाँ पे मैसेज करना है। जैसे कि यहाँ पे हम दो तीन प्रोसेस है, बस फर्स्ट में जो है प्रोसेस मैसेज करने का गाना को, उसके बाद दोस्तों एक सेंड करना है, दूसरीका बार में एक वन सेंड करना है, तीसरीका बार में जो है आपको वॉइस सेंड करना है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता दिए, ठीक है। इस तरह दोस्तों आप आसानी से जो है आप अपना जियो के सिम में कॉलर ट्यून को सेट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, एक रुपया भी नहीं लगेगा और ना ही कोई एप्लीकेशन को जो है आपको यूज भी मतलब नहीं करना है, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कंफर्मेशन के लिए हम जिस नंबर पर गाना सेट किए हैं वहाँ पर फोन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, दूसरे मोबाइल से हम यहाँ पर फोन करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं पहले दूसरा गाना था, देखते हैं चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखिए फोन कर रहे हैं, तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों हमारा गाना जो है सेट हो चुका है, पहले दूसरा गाना बज रहा था, अब दूसरा गाना बज रहा है, ठीक है। तो हमारा जियो का सिम है इसलिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास भी दोस्तों जियो का सिम है तो फ्री वाला जो है आप जियो जैसे हम बताए हैं कॉलर ट्यून को इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही फायदा रहेगा दोस्तों, कोई कॉल करेगा तो अच्छा लगेगा उसको, हाँ गाना बजता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसे दोस्तों आप अपने जियो के सिम में कॉलर ट्यून को आसानी से सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा, अगर आप दोस्तों कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमारे वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो हमें और वीडियो बनाने में मजा आता है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर से बोल रहे हैं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद वंदे मातरम।